हाल ही में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का अधिकांश समय यहीं बिताया था और एक सदी पहले उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती का निर्माण किया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि कुछ महीने पहले यूनेस्को के सलाहकार संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। बता दें कि शांति निकेतन को विश्व विरासत की सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया है। विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन का शामिल होना इसके सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व का प्रमाण है। शांति निकेतन में स्थित भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से विश्व भारती में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ललित कला, संगीत, मंच कला, शिक्षा, कृषि विज्ञान आदि की पढ़ाई की जाती है। 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। विश्व भारती पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसके कुलाधिपति प्रधानमंत्री जी हैं। शांति निकेतन की स्थापना एक आश्रम के तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में की थी, जहां बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। करीब 125 साल पहले कुछ छात्रों के साथ शुरू विश्वविद्यालय में आज भी छात्रों को पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाने की परंपरा जिंदा है।